हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चोको बिस्किट बर्फी। इसे बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, तो इसे आप कहीं भी कभी भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 2 टाइगर क्रंच बिस्किट्स, 1 मैरीगोल्ड बिस्किट, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 2 टीस्पून शुगर पाउडर, 1 कप मिल्क, 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 1 टीस्पून सेसमे सीड्स। सबसे पहले हम लेंगे मैरीगोल्ड बिस्किट्स। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून मिल्क पाउडर, 2 टीस्पून शुगर पाउडर और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 से 3 टीस्पून मिल्क ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसको हाथ से मिक्स करते जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इसमें थोड़ा और मिल्क ऐड करेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के बाद इसको हम रोल की शेप दे देंगे। सेम इसी तरह से हम टाइगर क्रंच बिस्किट के भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। जब तक हमारा पाउडर बनकर तैयार हो रहा है, तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। पाउडर बनने के बाद इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून कोको पाउडर और इसमें भी थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते हुए इसको मिक्स करेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। अब हम अपने डो को 2 पॉलीथीन शीट्स के सेंटर में रख के बेलन की हेल्प से अच्छे से बेल लेंगे। ऐसा करने से हमारा डो बेलन से नहीं चिपकेगा। अब हम इसकी ऊपर वाली शीट को हटा देंगे और इसकी साइड्स को रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे। और जो हमने पहले रोल तैयार किया था उसे हम इसकी एज पे रख के हल्के हाथों से रोल कर देंगे। अब हम सेसमे सीड्स को शीट के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और रोल को इसके ऊपर से रोल कर देंगे। ऐसा करने से जो सेसमे सीड्स हैं वो अच्छे से रोल के ऊपर लग जाएंगे। अब हम इस रोल को शीट से कवर करके 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1/2 घंटे बाद हम रोल को फ्रिज से निकाल लेंगे और इसके पीसेस कर देंगे। तो देखा फ्रेंड्स, हमारी बर्फी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ऐसे ही हम नई नई रेसिपीज लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए कुक ईट डाइजेस्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें।